नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम सुबह से लगातार महा कवरेज आपको दिखा रही है किस तरीके से मंदसौर दौरा बन रहा है डिप्टी सीएम का। जिस तरीके से अगर बात करें तो डिप्टी सीएम बनने के बाद जगदीश देवड़ा पहली बार मंदसौर आ रहे हो, लगातार उज्जैन से लेकर लगातार हम आपको मंदसौर तक की तस्वीरें दिखाएंगे और लगातार अपडेट दिखा रहे हैं। इसमें बात करें इस वक्त हम जोहे होटल पे खड़े हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे जो सामाजिक संगठन है उनके स्वागत के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और उनका स्वागत किया जाएगा। ऐसे में बात करें तो मेरे पीछे जो है मेरे सहयोगी रवि पोरवाल आपको तस्वीरें बता रहे होंगे किस तरीके से करणी सेना परिवार जीवन सिंह शेरपुर की पूरी टीम यहाँ मौजूद है जो उनके स्वागत के लिए मौजूद है। उनसे बात करें कितना उत्साह, किस क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से ये इस जिले के लिए, संभाग के लिए ये गर्व की बात है कि यहाँ से डिप्टी सीएम बना गया और आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? सर्वप्रथम सबसे पहले जय मां करणी सभी को, और हम तो यही चाहते हैं, आशा यही करते हैं कि हमारे एरिया के बने हुए डिप्टी सीएम तो समाज के लिए और सबके लिए काम करेंगे और सर समाज के लिए हित में काम करेंगे। किस काय के लिए आप यहाँ खड़े हो, क्यों खड़े हो? हम यही खड़े हैं, देखो हमारा जो भी था बीजेपी से पहले हमारे जो थी शिवराज सिंह जी से था, अब हमारे जो नए डिप्टी सीएम बने हैं सीएम बने, हम उनसे यही आशा करते हैं कि जो हमारी 18 सूत्री जो मांगे थी वो लेके चले और हमारी वो मांगे सब पूरी करें। क्या मांग पत्र सौंपोगे? ऐसे ही बिल्कुल मांग पत्र उनको पहले भिजवा रखा है और मांग पत्र बीजेपी के पास ऑलरेडी है। क्या कहेंगे स्वागत के लिए आप खड़े, कितने उत्साह की बात है कि यहाँ जो है डिप्टी सीएम पहुंचेंगे और स्वागत करोगे आप? जावरा क्षेत्र के लिए पहली बार है कि यहाँ से कोई एक मुख्यमंत्री भी इस क्षेत्र से है और डिप्टी सीएम भी यहीं से है, गर्व की बात है। लेकिन समाज के सभी समाज को साथ लेके चले ऐसी हम उनसे आशा करते हैं, इसीलिए हम उनका स्वागत करें। कहाँ से हो आप, कहाँ से आए हो, किस लिए खड़े हो? आए हैं और आपके स्वागत के लिए आए हैं, बस यही चाहते हैं अपन भी कि जो मतलब जो पहले वालों ने गलती की वो ये करना चाहेंगे नहीं, और ये सब हमसे परिचित भी है तो अपन यही चाहेंगे कि ये जो काम हम मतलब जिस वजह से इतना वो कुछ हुए थे, जो हमारे और इनके बीच में जो कुछ हुई थी वो अब नहीं हो। तो देखा आपने, ये करणी सेना परिवार की पूरी टीम है जीवन सिंह शेरपुर की, जिस तरीके से कही कि हमारी जो मांगे वो वहाँ पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी ये मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, साथ ही उनका स्वागत भी करेंगे क्योंकि क्षेत्र के लिए इस संभाग के लिए गर्व की बात है कि यहाँ से जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम बने। जिस तरीके से हम लगातार महा कवरेज आपको दिखा रहे हैं, पल पल की तस्वीरें मेरे सहयोगी रवि पुराल और आसिफ आप तक पहुंचा रहे हैं।